लो भाई फ्री में आएगा टापू पे हम लोग आइलैंड पे। चलिए रेस लगाते हैं। क्या हुआ? पुलिस पुलिस है यहाँ पे, पता कुछ बोलेंगे। चलो 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 लिख लो। ओ भाई ओ भाई। तो गाइस गोवा जाने की तैयारी हो रही है। गोवा जाने के लिए क्या क्या लेकर आया है? कुछ है इसमें? तो गाइस चला जाए, आज का प्लान पूरा सॉलिड है। आराम से बताते हैं क्या प्लान है आपका। फिलहाल चला रहे हैं स्प्लेंडर। नंबर को नहीं वाला फील आ रहा, तो एकदम डाउन डाउन वाला फील आता है इसमें। लो लो। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो गाइस निकल रहे हैं हम लोग आज भाई कार राइड के लिए। तो भाई आज जा रहे हैं हम लोग कहाँ? माइथन डैम, गोवा। हम लोग के लिए गोवा भाई सस्ता गोवा, वहाँ पे मस्त नहाने वाले। प्लान बना था भाई साइकिल से जाने वाले थे आज हम लोग साइकिल राइड करके, लेकिन भाई अगर नहा लेंगे तो साइकिल चलने वाला नहीं है। फिर प्लान में चेंजिंग हुआ कि कार लेके चलते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। अपने सारे बंदे लोग अपने अपने जगह पे वेट कर रहे हैं। यहाँ पे अमर भाई आ चुके हैं, गाड़ी का बोनट खुला हुआ है। हाँ तो लॉक करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे समीर है, सुजल पीयूष आगे वेट कर रहा है। बहुत ही मजा आने वाला आज के इस ब्लॉग में, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और ये भाई जब बैठा ना तो लॉर्ड ऑल्टो कहते इधर का हवाई कम हो गया। देखो काहे भाई ऐसे काहे कर रहा भाई, छोड़ दे मेरा गाड़ी कमजोर है। मेरा गाड़ी कमजोर है बोला, मेरा गाड़ी कमजोर है। लॉर्ड ऑल्टो भाई, लॉर्ड ऑल्टो। फिलहाल चला जाए, बाकी बंदे लोग उठाते हैं। मजा आने वाला है आज सच में। आज लेकिन धूप है भाई, साइकिल से जाते ना हालत खराब हो जाता पूरा एकदम। गाड़ी में बैठे बैठे पसीना चल रहा है। हम लोग गाड़ी में एसी वैसे आया नहीं, कमेंट करके बताओ गाइस सही लग रहा है या नहीं। अगर अच्छा लग रहा है तो रहेगा, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट करिएगा, हटवा देंगे, हटवा देंगे पक्का। अब लॉर्ड लिखाएगा ट्रक और क्या बोलता थारूर से पंगा लेगा, जहाँ पे थार फंसेगा वहाँ पे हम लोग को लॉर्ड ऑल्टो निकल जाएगा। अरे भाई क्या कर रहा भाई तू लोग, चलान होगा चलान चलान। चला जाए बढ़िया से ना, साथी पे रहिएगा ठीक है। जली डूब जली डूब जली डूब जली डूब। बैठिए तो जब तक गाड़ी से उतरेगी तो बैठेगा नहीं लोग। नहाए में आज मजा आएगा क्योंकि मौसम गर्म है आज पूरा, अब पानी रहेगा ठंडा एकदम। चलिए रेस लगाते हैं। बोलते रेस नहीं होगा। तो गाइस आ चुके हम लोग हाईवे पे, स्कूटी चल रही है भाई, पीछे पीछे सूरज है, उनका एक भाई है पीछे। बाकी गाड़ी में हम लोग कितने लोग हैं? छः लोग हैं। छः लोग हैं और ये दो लोग पीछे हैं, छः दो आठ लोग हैं हम टोटल आज। हम लोग मज़ा आएगा भाई पूरा। ये जोश में आइएगा। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लिए हम लोग, यहाँ पे हाईवे के बगल में सर्विस रोड था, यहाँ पे गाड़ी लगा दी है। बाकी अपना स्कूटी वाला बंदा तो भाई टांगते हुए चला गया, मज़ा आया। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं, बैग में कुछ हल्का फुल्का कुछ खाने का वो निकालते हैं। मज़े में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। लो भाई पोपट हो गया है, इसका स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रहा है। पेट्रोल है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। नहीं 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 साथ में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आए हैं साथ में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। तो गाइस अभी जाके स्टार्ट हुआ है, गाड़ी टाइमर दे दिया 5 मिनट का, 5 मिनट बाद ही स्टार्ट हुआ। लेकिन इसको क्या किया, सीमेंट वीमेंट सब गिरा हुआ है। अरे तुम अभी दागी दिया पूरा, हद देखो इस मेरा उड़ाया हुआ है। कैसे? गाड़ी से वहीं पे उड़ाया तुम, पूरा पैर में सब जगह छीटा। अरे वाह, ये सारा छीटा मेरा उड़ाया हुआ, हमको मालूम ही नहीं। हमारे भाई कहाँ से सीमेंट वीमेंट लगवा के आ रहा है। तो पहले प्लान ये बनाया कि भाई बच चुका है एक, अब नहाएंगे तो 2 घंटे के बाद ये सब मगरमच्छ लोग निकलने वाला है। नहीं निकलेंगे आज, तो पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद फिर नहाएंगे हम लोग। मैं पीला नहीं, ग्रे रंग दी। तो गाइस आ चुके भाई खाना खाने के लिए, गाड़ी लगा दी अपने यहीं पे। पहले पेट पूज जा उसके बाद काम धो जा। ऐसा कुछ सीन रहा ना भाई कि भाई खाना हम लोग खाएं सादा खाना, भाई लोग का तो सावन चल रहा है, सिंपल खाना खा। 800 रुपए का बिल बनाया है, लेकिन भाई लोग जो खाया है ना, ये मील वाला ऑप्शन था जो अनलिमिटेड खाना रहता है,
होटल वाला परेशान हो गया खिलाते खिलाते गुस्सा करने लगा लास्ट में, और तू लोग कैसे खाना खा रहा है इतना इतना लेकिन भाई जिंदगी में देखा नहीं हो खाते। सब राइडर लोग है ना, इन लोग को भूख लगता था खतरनाक वाला लगता है। अब इन लोग पानी में उतरे गए ना तो कोई किसी को हाथ पाँव मारने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक तैर गए इतना खा लिया है लोग। सबसे हैवी होगा बोल तो कब आग से आके फिर खाने बैठ गए तो सुजल वो थोड़ा उल्टी उल्टी होता है गाड़ी वाड़ी पे, इसलिए स्कूटी पे बैठ गया वो, थोड़ा आराम से खुद खाना। हाँ आराम से। इधर में ये वाटरफॉल वाला लोकेशन है जो काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है, लेकिन भाई एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुका है वहाँ पे, इस वजह से बंद कर दिया गया। बार बार पुलिस राउंड भी मारता है इस वजह से। यहाँ अगर नहाएंगे ना भाई तो बिना कपड़े का भगा देगा, मतलब नहा रहे हो इसी गाड़ी में बैठाएगा वाला, चलो चलो थाना 2 मीटर मतलब देख के आवे थे वहाँ का सीन है, नहाए दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 3 लोग बैठा है इसमें, कौन कौन जो भी बैठा है। आज स्कूटी तुम्हारा वो करेगा जो कोई नहीं, कोई स्कूटी गिराज नहीं किया होगा आज तक। रास्ता देख रहे इधर का पैर उठा कर रख भाई। तो फाइनली गए इधर पूरा डाउन हिल करते करते पैदल उतर गए भाई, स्कूटी लेके आए। आधा 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 रास्ता से उतारने का मन नहीं किया हम लोगों, मतलब भाई पता नहीं फंस जाएगा तो जाना मुश्किल है। ये तो 3-3 लोड बैठ गए, एक तो भाई का पाँव में चोट भी लग गया है, ब्लड वगैरह चल रहा है। फिलहाल यहाँ पे देखने आए हैं बाइक में एक तो लगा हुआ यहाँ पे, मतलब लोग नहा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आता है पुलिस। अब वही सोचना है कि यहाँ नहाया जाए या नहीं नहाया जाए, पानी का फ्लो कम होगा तो नहाएंगे वरना दूसरे लोकेशन पे जाएंगे। ये चक्करों का इस पानी का भाई बहाव बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं नहा पाएंगे हम लोग। साइड साइड में कुछ लोग नहा रहे हैं, लेकिन इससे भी अच्छा लोकेशन पे हम लोग जाएंगे नहाने के लिए। चलो सामने से एक बार देख लेते हैं। पिछले बार जब हम लोग आए थे कार से तो आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा नहीं था, लोग यहाँ पे नहा रहा था, बहुत सारे लोग यहाँ पे नहा रहा था, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है भाई। तो गाइज़ यहाँ पर नहाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी है, बंदर और डूब जाएगा जिसको नहाना है भाई। देखो साइड में नहा रहा है, यहाँ पे देखो कहाँ चढ़ा हुआ है, एट वहाँ चढ़ा हुआ है, उतर उतर उतर, चल बस 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 वहाँ तक आवाज़ आ रहा था। हाँ क्या रोड है, क्या रोड है, क्या रोड है, मस्त लग रहा है। इधर का मौसम थोड़ा ठीक है, इधर का बादल ना थोड़ा थोड़ा काला है, इधर का रोड ठीक नहीं है ना, बजट घट गया था। एक बड़ा सा डंडा ढूंढ लेना है गहराई नापने के लिए, गहराई आगे ना है। सुजल मजा आया ऊपर बैठ के। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके लोकेशन पे, ये चेक करो गाइस इधर का लोकेशन। भाई लो भाई देखो गाड़ी में घुस घुस के कपड़ा चेंज कर रहा है, बाहर कर ले सब तो लड़के ही है। और पानी वानी ठंडा होगा, मस्त नहाते हैं। वो वाला टापू पे जाएंगे, थोड़ा छाँव में रहेंगे, उसके बाद नहाएंगे, वहाँ से गाड़ी भी मस्त अपना दिखेगा। लॉट ऑल्टो लो भाई कपड़ा चेंज करना स्टार्ट भी हो गया यहाँ पे। तुरंत तो मछुआरा लग रहा है, डोंट शूट। कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। चलो हम लोग का प्राणी यहाँ देखो, थोड़ा देर मगरमच्छ बन जाएगा ये। पुश अप मार रहा था पानी में, एक से एक बंदा लोग है भाई। यहाँ पे देखो यहाँ पर टापू है, टापू पे हम लोग पहले जाएंगे, टापू के साइड में नहाएंगे, गहराई वगैरह नापना होगा। मौसम अच्छा हो जाए तो मजा आ जाएगा, वरना हाँ हो गया बोलते साथ हो गया भाई। इतना सारा बंदे के बीच में एक ही तैरने वाला है यहाँ पे। लो भाई नहाना चालू, इसी चीज़ के लिए तो आए भाई। वहाँ पे इतना रिक्स लेके लोग नहा रहा था ना, वो चीज़ अच्छा नहीं लगा, बोला आराम से नहाएंगे एकदम बिंदास हम लोग, एकदम शांत पानी में, यहाँ शांत पानी बहुत अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा। गिया 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 भाई, अजीब अजीब सा लग रहा है पानी के अंदर, पूरा घास बड़ा बड़ा सा है, और पाँव में टच हो रहा ना, अजीब अजीब सा लग रहा है, मेरे को लग रहा है अपना जूता लेके आना चाहिए। लो भाई फ्री में आएगा टापू पे, हम लोग आइलैंड पे, ये चेक करो गाइस आइलैंड पे। उधर अपनी लॉर्ड ऑल्टो अपनी स्कूटी, उधर कुछ बंदे लोग पिकनिक मना रहे हैं उधर मस्त, और हम लोग इधर नहाएंगे मस्त।
बस एक ही चीज़ का दिक्कत है भाई, एक चीज़ का दिक्कत हो गया कि पानी नहीं है पीने के, हम लोग बस भूल गया रास्ता कहीं भरने का ध्यान नहीं रहा, भर ही नहीं पाए। कौन है कौन है कौन है कौन है रे जिड़ा दिखे तेनू बस देखता ही रह जावे, तू ओदा दिल कट अपने ही नाल रह जावे, रेड उस वांगू रेड तेरे फुल बलिए इशारियां दे विच बहुत कुछ कह जावे। फाइनली गाइस काफ़ी देर पानी में रहने के बाद भी हम लोग बाहर निकले हैं। इन लोग भाई मस्ती मजाक खत्म नहीं हो रहा है, मस्ती मजाक करते ही जा रहा है। पानी में बहुत ज़्यादा शीशा वगैरह भी है, समीर का पाँव कट गया, एक दो बंदे को और लगा है, बहुत ज़्यादा मस्ती हो गया भाई। अचानक उधर ना खतरनाक वाला गहरा है, खतरनाक वाला एकदम, जो भी बंदा जा रहा है भाई डूबने लग रहा है। तो खैर मानो कि एक भैया है जो आराम से सबको, मतलब जो ज़्यादा गहराई में जा रहा है निकाल दे रहे हैं। तो वहाँ पे एक और कार लगी है, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे अपने लॉर्ड ऑल्टो के पास भी एक और कार लगी है। तो भैया लोग आए हैं नहा रहे हैं यहाँ पे, भैया लोग आसनसोल से आसनसोल से भैया लोग, तो लोग भी नहा रहे, हम लोग कंपनी मिल गया नहाने के लिए। हम लोग तब से अकेले नहा रहे थे, मतलब इतने सारे अपने ग्रुप के लोग भी देख कर ही आए यार, तुम लोग नहा रहे थे, हम लोग भैया लोग नहाने के रहते थे, देख के मन बन गया इनका भी। ब्रो क्या हुआ पुलिस गाड़ी है मान लिया भाई, पुलिस गाड़ी, अगर पुलिस गाड़ी हुआ ना तो सबको दौड़ाएगा फिर। पुलिस गाड़ी बुल्लू लाल दिख गया उधर, ऐसे इधर आ जा, सब इधर आ जा, इधर ध्यान ही मत दे, उधर देखेंगे ना लानिया, वो लोग लग रहा नहीं देख पा रहा। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहा नहा ना, जो होगा बात किया जाएगा। सही बात, इमरान भी है, फायदा नहीं, इमरान भी है ना। मेरे को लगा था कि आएंगे गाड़ी, देखो गाड़ी आ गई है, पुलिस पुलिस है यहाँ पे, पता कुछ बोलेंगे। चलो 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 लिख लो। भाई ये चेक करो, पुलिस गाड़ी आई थी यहाँ पे, गाड़ी का सारा नंबर उम्बर सब चेक हो गया, गाड़ी का पेपर सारा ओके निकल गया, तो भैया लोग भी थे यहाँ पे। बात कुछ ऐसा नहीं, यहाँ पे सुसाइड पॉइंट है, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे नहाना वाना मना, हम लोग तो आगे नहाने के लिए थे, भैया लोग के गाइडेंस में ही नहा रहे थे, ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा पुलिस भी पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं। देखो गाड़ी किया उधर, और वहाँ पे ना कोई कैंपिंग कर रहा है, वहाँ पे कार लगा के, देखो उसके पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है, सेफ्टी के लिए है, बस यही है, डर के पैनिक होकर फायदा नहीं है, बस वो बात किया है और बोला कि सुसाइड पॉइंट इधर मत ना हो, निकल जाओ यहाँ से। इस नहा धोवा के एकदम रेडी है भाई, पुलिस तो हम लोग निकलवा दिया बहुत जल्दी ही, ऐसे हम लोग नहाते और भी बहुत देर तक, प्यूज कपड़ा सुखा रहे हैं यहाँ पे। इधर भैया लोग चले नहा के, चलिए भाई भाई मजा आया साथ में नहा करके। भाई लास्ट टाइम जो गाड़ी धुला था इसी जगह पे धुला था, उसके बाद से जो गंदा है अभी तक गंदा है, और अब इसको लग रहा है वॉश करवाना पड़ेगा, अंदर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। ए पीयूष अरे क्या कर रही, कपड़ा सुखा रहा है यहाँ पे, जल्दी भर उसको बैग में। फिलहाल अभी हम लोग जाएंगे डैम की तरफ, उधर का व्यू लेते हैं और उधर घूम के उधर से निकलेंगे, मजा आएगा। चलो हम लोग जाने वाले उधर ही से, जिधर से पुलिस का गाड़ी गया था, देखते उधर से हमको लग रहा रास्ता है। हाँ पुलिस गाड़ी का ब्लोरो था, बड़ा बड़ा टायर वाला, देखते अपना लॉर्ड ऑल्टो निकलता है कि नहीं इधर से, इधर से सीधा जगह तो है ही नहीं है। अब 4x4 रहा नीचे, पत्थर है, हाँ बीच से निकाल दिए पत्थर। खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग आज, देख के दरवाजे खोलना, ठीक नीचे टकराएगा। लो गाइस पहुंच गए यहाँ पे, ये चेक करो गाइस इधर का व्यू क्या मस्त लग रहा है भाई, वेदर वेदर बढ़िया है। हम लोग भाई नहा रहे थे इसके एकदम उधर में नहा रहे थे, ठीक हो, क्या नाम? मोहम्मद मेहताब। आज हम लोग जाएंगे एकदम नीचे, जहाँ पानी डैम का पानी छूटता है ना, पानी रहता है वहाँ, पत्थर के पास जाने वाले अभी हम लोग, है दूर लेकिन चलेंगे पैदल, मजा आएगा। सीन तो मस्त, पेड़ पे टूटा हुआ है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह भाई, 12 गेट है इसमें, मतलब 12 फाटक है, और ये जब खुलता है ना भाई पूरा उधर का पानी इधर आता है, मतलब ये एरिया पूरा ढक जाता है, ये कोई पत्थर वगैरह नहीं दिखेगा, और यहाँ पे भाई तार पता नहीं क्यों लटक रहा है यहाँ पे पूरा नीचे तक, पानी का आवाज गूंजता है, अभी तो कम पानी आ रहा था, ये भी आवाज़ सुनाई दे रहा हम लोग अच्छा खासा। तो भाई साहब वापस ऊपर आते आते ना भाई पूरा अंधेरा सा हो गया, शाम सा हो गया। फिलहाल इधर भाई देखने में बड़ा अच्छा लगा, स्काई वगैरह देखो क्या मस्त लग रहा है, और इधर में ही अपना गाड़ी पार्क है, एक बंदा और पीयूष कहीं गया हुआ था कुछ काम था, और इस पे हम भी चढ़ जाते हैं, अच्छा लग रहा है भाई। इधर का व्यू चेक करो गाइस क्या मस्त लग रहा है भाई, ये चीज़ देखो क्या अच्छा लग रहा है, पूरा अंधेरा सा हो गया लेकिन लाइट यहीं पे थोड़ा आज, लेकिन बारिश नहीं हुआ, बारिश होना चाहिए था यार।
हर दिन बारिश हो रहा था, हर दिन राइड करते हर दिन बारिश हो रहा था। आज घूमने के लिए निकले, वो भी कार लेके निकले, सोचा बारिश होगा लेकिन बारिश ही नहीं हुआ। बताओ इस साइड देखो गाइस, पूरा अंधेरा हो चुका है लेकिन इस साइड देखो क्या मस्त लग रहा है भाई, क्या मस्त लग रहा है। बहुत चीज बाकी इधर, बहुत चीज बाकी, अभी टाइम लगेगा इधर, इधर अंधेरा इधर रात भी होगी देखो, और इधर पहाड़ वहाड़ दिख रहा है इधर भाई, पूरा रात हो गई। चला जाए गाइस, पकड़ चुके हम लोग हाईवे। ओ भाई, ओ भाई, ये अचानक कहाँ घुस रहा है? ओ बैठेगा तुम, तुमको तो नहीं बैठाएंगे हम। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਵੇ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਾਟੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿ ਜਵੇ, ਡੈਡੀ ਰੋਸ ਵਾਂਗੂ ਰੈਡ ਤੇਰੇ ਪੁੱਲ ਬੰਦੀਏ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਵੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਟ ਟਰੱਕ ਅਬ ਹਾਈਵੇ ਕਾ ਬਾਸਲ ਟਰੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਗਾੜੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਦਿਖੇਗਾ, ਟਰੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖੇਗਾ, ਟਰੱਕ ਬਸਸ ਵਗੈਰਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਪੇ ਹਮ ਲੋਗ ਨਿਕਲਵਾ ਦਿਆ, ਨਹਾਨੇ ਕਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਹੀ ਚੁਕੇ ਥੇ ਹਮ ਲੋਗ ਲਗਭਗ ਲਗਭਗ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ 2 ਘੰਟਾ ਤੋ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂ 2 ਘੰਟਾ ਤੋ ਨਹਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾ। ये सब रोड का एक ही प्रॉब्लम है, कौन कब कहाँ से पार कर जाए ना रोड, यही चीज़ का गारंटी नहीं, इस वजह से ना रोड पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मिले जाना सामने आसपास। अरे अपने बंदे लोग इधर है, हल्का हल्का भाई बारिश हो रहा है, अभी जाके हल्का हल्का बारिश मिला हम लोगों को। बारिश लेकिन हम लोग चाहिए था नहाते वक्त, तब मज़ा आता। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमने गंदा गंदा तो नहीं हुआ ना। लो जी हम लोग पहुँच गए हैं आसनसोल हाईवे पर, ज़्यादा ब्लॉग नहीं किए हैं, और गाड़ी से सामने से कुछ किट 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 आवाज़ आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, समझ में तो नहीं आ रहा है, अब देखना पड़ेगा रोक के या बढ़िया से इत्मीनान से कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। इतना ऑफ रोडिंग नहीं करवा दिया, कहीं नहीं लग रहा कुछ टच हो रहा है टायर में। तो फाइनली गाइस बंदे लोग चले घर, दो दो बॉटल आया। हाँ। जब प्यास लगा था ये बॉटल कहाँ था? बैग में। बैग में, मतलब पानी पानी तरस रहे थे, इसका पानी का बॉटल बैग में था, मालूम ही नहीं था, मतलब पानी था भी नहीं, पानी ना होने की वजह से सर में दर्द हो गया, मतलब पानी प्यास लगा हुआ था, और बहुत देर हम लोग नहा वाली है ऐसी धूप में। फिलहाल चला जाए, बंदे लोग जा रहे घर, पीयूष का साइकिल इसी के घर पे है तो ये भी चला इसी के साथ। चलो मिलते हैं, फोन करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। बैग ले लिया? बैग बैग तुम बैग लेके नहीं आया था? हालत ख़राब हो गया, जैसे नहाया ना पूरा बॉडी में पेन हो रहा है। लॉट ऑल्टो ठीक लग रहा, तो हेवी लग रहा। चलो भाई अच्छा है, बाय बाय। चला जाएगा इस, चला जाए यहाँ पर अपनी गाड़ी, इंडिकेटर दे दिए, गाड़ी स्टार्ट ही है तो चलते हैं अब। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके थे घर, आज है भाई नेक्स्ट डे, घर पे काम लगा हुआ था, काम हम देखने के लिए आए थे। फिलहाल वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। भाई साहब कल पुलिस वुलिस का चक्कर हो गया तो आपको मालूम ही है, मतलब वहाँ सुसाइड पॉइंट है, मतलब कि जहाँ पर लोग नहा रहे थे वहाँ पर गहरा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर अचानक गहरा था, इसलिए पुलिस बोले कि यहाँ पर बहुत सारे बंदे लोग नहाने आते हैं और डूब जाते हैं, जिसको तैरना नहीं आता क्योंकि मालूम नहीं अचानक कहीं कहीं पर गहरा है। लेकिन हम लोग भाई सेफ्टी के साथ नहाएं अच्छे से, ऐसा फिर नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ ना करें हम लोग, और भाई सेफ्टी से ही नहाएंगे कहीं भी जाएंगे। तो फिलहाल मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया था, अपना लॉर्ड ऑल्टो भी बहुत ज़्यादा ऑफरोडिंग करवा दिए हैं, बस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना हो, गाड़ी को वॉश वॉश करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग बढ़िया से गाड़ी वॉश करवाने वाले हैं क्योंकि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है, इतना ज़्यादा ऑफरोडिंग करवा दिए हैं। लॉर्ड ऑल्टो मतलब लॉर्ड ऑल्टो ही है, मतलब कि कहीं भी हम लोग घुसा दें, बंदे लोग भी अपने भैया यहाँ चलिए वहाँ चलिए, यहाँ चढ़ा दीजिए वहाँ चढ़ा दीजिए, यही सब हो रहा था। फिलहाल उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आया होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो को पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइज मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल, बाय।